ओके सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू डीबी टेक्निकल वर्ल्ड, माय नेम इज दीपांशु बहल एंड फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फिर से एक अनबॉक्सिंग जो कि एक इंडियन ब्रांड की होने वाली है गाइस, मतलब IN। सो आप समझ ही गए होंगे कि ये है मेरे पास माइक्रोमैक्स का 1B। तो आपको जैसे पता ही होगा कि माइक्रोमैक्स ने अपने यहाँ पे दो फोन लॉन्च करे थे, एक था नोट 1 और एक था ये 1B। तो वो वाला मुझे सेल में नहीं मिल पाया था और ये वाला मुझे मिल गया। एंड मेरे पास यहाँ पे है ये 64GB वाला वेरिएंट, इसमें 32GB भी मिल जाएगा आपको। ये आता है 8,000 रुपए का और वो आता है मेरे ख्याल से 7,000 रुपए का। बॉक्स के ऊपर बहुत सारी ब्रांडिंग की गई है, VR IN इंडिया, हाउ अबाउट यू। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको फीचर दिए गए हैं, मीडियाटेक का हीलियो G35, 13+2 मेगापिक्सल कैमरा, मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन, 5000mAh की बैटरी। एंड फ्रंट साइड पे यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ मिलता है आपको कि IN by माइक्रोमैक्स, तो मतलब IN means इंडिया। तो इस वीडियो में हम करेंगे इसी IN by माइक्रोमैक्स की अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ इसके सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस को एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन भी बताऊंगा इसके बारे में। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं माइक्रोमैक्स ब्रांड को अपने चैनल पे अनबॉक्स कर रहा हूं, क्योंकि आए बहुत टाइम बाद है। एंड यस, गिव अवे भी अनाउंस करूंगा, तो उसके लिए वीडियो में बने रहना, कहीं भी बता दूंगा गिव अवे करना क्या है। सो फाइनली विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहले बात करेंगे डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे बैक साइड जो आपको दी हुई है दैट इज ऑफ प्लास्टिक, और यहाँ पे दो तरीके के डिजाइन है, मतलब एक साइड जो है दैट इज क्रश्ड डिजाइन, जिसपे अगर आप मैं फिंगर रब करूँ तो एक अलग सी आवाज आती है, और बीच में एक स्ट्रैप दी हुई है जो कि बिल्कुल प्लेन है, उस पे है वो मैटी फिनिश में ही, और कलर्स थोड़े से अलग है, ऊपर की तरफ लाइट है नीचे की तरफ डार्क है। बैक साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर है, ड्यूल कैमराज है, स्पीकर नीचे की तरफ ना देके बैक साइड पे दिया हुआ है, IN की बड़ी सी ब्रांडिंग है। फ्रंट साइड पे वाटर नॉच डिस्प्ले में सिंगल कैमरा मिलता है। पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देखें तो राइट साइड पे पावर अनलॉक बटन के साथ वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं, लेफ्ट साइड पे आपको एक गूगल असिस्टेंट बटन मिलता है डेडिकेटेड। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, नीचे की तरफ सी टाइप पोर्ट, 3.5mm का जैक एंड माइक दिया हुआ है। तो यहाँ एक नहीं दो चीजें अच्छी हैं, एक 3.5mm का जैक दिया है और दूसरी चीज इस प्राइस में सी टाइप पोर्ट मिला आपको, मतलब और भी ब्रांड्स कुछ है देते हैं बट सी टाइप पोर्ट मेरे हिसाब से थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बट इस स्मार्टफोन में मिल जाता है आपको, तो वो अच्छी चीज है। सीधा बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.52 इंचेस की HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, 82.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है। एक जो आपको यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज देखने को मिलती है वो है इसका क्लीन एंड्रॉइड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता है, फालतू की एप्लीकेशंस नहीं मिलती है, जो कि सबसे बढ़िया चीज लगी मुझे इसकी। वहीं अगर वीडियो की तरफ नजर डाले ना तो यहाँ पे ब्राइटनेस मैं कहूंगा कम है, बट इसमें आपको HD+ डिस्प्ले मिली है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। वैसे ब्राइटनेस जो आपको मिली है वो है 400 nits की। क्वालिटी ऑफ द पिक्चर मैं कहूंगा ठीक थी, इट्स नॉट दैट मच गुड, बट प्राइस के हिसाब से इट इज गुड, प्राइस के हिसाब से बिल्कुल सही दी गई है। ब्राइटनेस मैं अभी भी कहूंगा कम दी हुई है, ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज जब आप बाहर सनलाइट एरिया में जाओगे ना तो आउटर एरिया में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी फोन चलाने में, क्योंकि ब्राइटनेस सीरियसली यार थोड़ी सी कमी है। नेक्स्ट अगर यहां पे इसके परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसर के बारे में बात करूं तो यहां पे आपको मीडियाटेक का हीलियो G35 प्रोसेसर दिया गया है, और यहां पे आपको गो एडिशन OS मिलता है जो वर्क करता है एंड्रॉइड वर्जन 10 पे। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मैंने यहां पे कॉल ऑफ ड्यूटी को प्ले करके देखा था, तो G35 प्रोसेसर में आपको पता है कि ये भी एक गेमिंग प्रोसेसर ही है, तो आप इसके अंदर गेम प्ले अच्छे से कर सकते हो, बट बिल्कुल लोएस्ट सेटिंग पे मैं कहूंगा गाइस, क्योंकि इसके अंदर आपको वैसे भी हाई सेटिंग्स दी ही नहीं हुई, नॉर्मल सेटिंग्स ही दी हुई है, और इसमें गेम प्ले करने में थोड़ा बहुत लैकनेस, थोड़ा बहुत मैं कहूंगा फ्रेम ड्रॉप मिलेगा देखने को, बट गेम प्ले आप कर सकते हो नॉर्मल अच्छे से, मतलब कर सकते हो। बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, बट चार्जर जो है गाइस वो है 10 वॉट्स का, एंड चार्जर पे भी आप देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा दैट इट इज मेड इन इंडिया, और ये है 10 वॉट्स का चार्जर जो कि 5000mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए मेरे हिसाब से इनफ नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा होता 18 वॉट भी होता तो मैं कहता कि 2 घंटे में हो जाएगा 1.5 घंटे में, बट 10 वॉट का है गाइस, इट टेक टाइम, तो वो ध्यान रखना। बाकी जो बैटरी दी हुई है MAH 5000, दैट इज ह्यूज,
मतलब वो अच्छा है। डायमेंशंस एंड वेट की बात करें तो डायमेंशंस आपकी स्क्रीन पे है, बट जो इसकी थिकनेस है दैट इज 8.9 mm एंड जो वेट है व्हिच इज 192 grams, तो मैं कहूंगा बल्कि इतना ज्यादा नहीं है, 200 ग्राम से नीचे नीचे है, तो दैट इज गुड। तो इसमें आपको तीन कलर्स देखने को मिलेंगे, एक है ब्लू, पर्पल एंड ग्रीन। जो ये है मेरे पास, ये पर्पल कलर है, तो इसमें दो कलर्स आप और ले सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंसर्स एंड सिक्योरिटी की, तो आपको सारे तरीके के सेंसर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड सिक्योरिटी में आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट एंड फेस आईडी दोनों मिलते हैं। मैंने यहाँ पे पहले फिंगरप्रिंट को टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा लेट लगा, क्योंकि एक बार अगर आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो उसके बाद सेकेंड टाइम में ये ओपन नहीं होता है, थर्ड टाइम में दोबारा ओपन होता है। मतलब कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है रिकवर होने में फिंगरप्रिंट से, ताकि ये दोबारा से फिंगरप्रिंट को जब हम लगाएं तो दोबारा से ये अनलॉक हो सके, तो इट टेक्स टाइम ऑफ अराउंड 1 or 2 seconds। एंड फेस आईडी में भी आप देखेंगे तो कई बार थोड़ा डिले देखने को मिलता है, लाइक कभी 1 second या 2 second का डिले आता ही आता है। इंस्टेंट रिएक्शन जो होता है ना, जो इंस्टेंट फेस अनलॉक होता है, वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है, तो ये मुझे थोड़ा सा लैग लगा यहाँ पे। एंड अगर यहाँ पे कैमरास की तरफ नजर डालें तो आपको बैक साइड पे डुअल कैमरास मिलते हैं, एक है 30 megapixel का वाइड एंगल कैमरा f1.9 एपर्चर में, एंड सेकंड है 2 megapixel का डेप्थ सेंसर f2.4 एपर्चर में। एंड आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो फुल एचडी प्लस पे एट 30 fps। फ्रंट साइड पे आपको सिंगल कैमरा दिया हुआ है वाटर नॉच डिस्प्ले में, जो कि है 8 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर के साथ वाइड एंगल कैमरा, एंड वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो फुल एचडी प्लस में 30 fps पे। मैंने यहाँ पे कुछ कैमरा सैंपल्स लिए हैं, तो मतलब जो पिक्चर की क्वालिटी आप खुद भी स्क्रीन पे देख सकते हो, बिल्कुल रॉ फोटोज हैं गाइस ये। तो ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राइटनेस इसकी इतनी अच्छी नहीं है, तो बाहर पता ही नहीं लग रहा था कि फोटो एक्चुअल में आ कैसी रही है। एंड इस हिसाब से आप मेरे इंप्रेशंस भी पहचान ही गए होंगे कि डिस्प्ले साइज इज गुड, डिस्प्ले क्वालिटी इज गुड, ब्राइटनेस इज नॉट गुड। बैटरी यहाँ पे बहुत अच्छी दी गई है 5000 mAh, बट यहाँ पे चार्जर इज नॉट गुड विच इज ऑफ 10 watt। एंड यहाँ पे आपको प्रोसेसर हीलियो G35 दिया गया है, दैट इज नॉर्मल प्रोसेसर, मतलब इतना हाई फाई नहीं है, तो इट इज गुड। तो सीरियसली बोलूं तो फोन काफी अच्छा है, प्राइस वाइज काफी ठीक है, काफी चीजें अच्छी है, काफी चीजें नहीं भी अच्छी, तो ये आपको ही देखना होगा कि आप इसको परचेज करना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि आपको पता है मैं रिकमेंड डायरेक्ट नहीं करता हूं कि आप इसको ले लो या मत लो, दैट इज प्योरली अप टू यू गाइस। ओके, तो यहां पे अगर बात की जाए इनके गिव अवे के बारे में, तो यहां पे करना क्या है, सिंपली लाइक टारगेट रखा है 2500 लाइक्स का, विच इज नथिंग फॉर यू गाइस, आप बहुत आराम से करा दोगे और करा भी देना, कोई टाइम लिमिट नहीं रखी है कि कब तक कराना है, आप आराम से दिसंबर ले लो, जनवरी ले लो, बट लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दो और ये हो जाएगा आप में से किसी एक लकी विनर का। सो दिस इज इट फॉर टुडेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई नई अनबॉक्सिंग रिव्यूज एंड कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए गाइस, दिस इज दीपांशु बहल, जय हिंद।